व्हाट्सअप गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ मोबाइल लेने के लिए S8। तो देखते हैं कितने का मिलता है और कितने का फटका पड़ता है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वैसे मैं फ़ैन में चला के चेक करना चाहता था कि इसकी वॉइस क्वालिटी कैसी है। चलो अभी पंखा बंद कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल मेरा प्रोग्राम तो ये था कि S8 मोबाइल लेना, लेकिन S8 की जगह मैंने फिर Note 8 ले लिया। उसमें थोड़ा सा आ रहा था, 5000 ही महंगा था, तो मैंने कहा क्यों नहीं Note 8 ले लूं। और ये पहले जो मैं वीडियो बना रहा था वो J7 से थी, अब जो बना रहा हूँ वो Note 8 से। आप देख के बताएंगे कैसी है। हेलो, अभी तो मैं जा रहा हूँ कज़न के घर, तो वापस आके व्लॉग कंप्लीट करते हैं और दोनों का देखते हैं कि क्या डिफरेंस है J7 और इसके कैमरे में। और बाकी तो जब एडिटिंग करूँगा तो तब पता चलेगा कि कैसा है। दिस इज़ द नेक्स्ट डे और अभी मैं आ चुका हूँ शॉपिंग करके, और ये कुछ दवाइयाँ हैं और पीछे सामान भी पड़ा है। तो कल का व्लॉग फिर आगे से एडिट करते हैं। तो ये भी है, कुछ दवाइयाँ ली हैं क्योंकि अपर बॉडी का वेट बहुत ज़्यादा है तो बैठने में थोड़ी सा प्रॉब्लम होता है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ द नेक्स्ट डे, आई स्टार्ट व्लॉग। सो आज पबजी दोबारा उन्होंने बैन कर दी। पता नहीं क्या मसला है गवर्नमेंट को। पता नहीं किसी की ने खुदकुशी की तो इन्होंने पबजी बैन लगा दिया। ये क्या हुआ भाई? आधी गलती इंसान की अपनी होती है कि भाई खुद अपने आप को मार देता है। ये क्या बात हुई? ज़्यादा से ज़्यादा अगर इंसान को गुस्सा आए तो मोबाइल तोड़ देना चाहिए, या और भी कई तरीके हैं जो फ्रस्ट्रेशन बने हुए निकाल सकते हैं। तो पबजी बैन करने का मुझे तो कोई समझ नहीं आता, क्योंकि कोई जवाब ही नहीं बनता। और बाकी जो है, अभी Note 8 लिया था मैंने, तो उस पर यही गेम चला के देखनी थी। तो आज से मैं बैन होगी, लेकिन मुझे लगता है VPN पे चल जाएगी, तो ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं है। और कोई लास्ट अपडेट भी मैंने देखी थी कि VPN को भी पाकिस्तान में बैन कर रहे हैं। तो देखते हैं कि ये PTA क्या क्या चीज़ ब्लॉक करता है। और अभी तो वैसे केस की सुनवाई इस मंथ के 9th को होगी, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी बैन होना चाहिए पबजी को, क्योंकि 50-60% इंसान की अपनी गलती है कि वो अपनी जान क्यों ले रहा है। क्यों ऐसा क्या हुआ है कि मतलब हार मान लेना, और जिससे मतलब खुदा ने भी मना किया हुआ है कि आपने खुदकुशी जो है हमारे मज़हब में भी हराम है। और कुछ लोग तो बात करते हैं कि भाई हर चीज़ को मज़हब पे ले जाते हैं। मज़हब पे ले के जाना ज़रूरी होता है क्योंकि मज़हब और आप इंटरकनेक्टेड हो। तो जो भी हमने सीखा है या जो भी हमने इस लाइफ में किया है वो सब कुछ इस मज़हब से ही हमें मिला है। मतलब कि जो भी है जिसने हमें लाइफ गुजारनी है, क्योंकि मज़हब का आपके ऊपर बहुत ज़्यादा वो असर होता है। तो मतलब कि पबजी बैन करने का मुझे तो समझ नहीं आया। पबजी से अच्छा होता कि अगर वो टिकटॉक को बैन कर देते। पबजी तो इतने बंदे, इतने लड़के जो हैं नेट पे स्ट्रीम कर रहे होते हैं, उनका आप वो क्या कहते हैं ब्रेड एंड बटर छीन रहे हैं उनसे। और लास्ट टाइम वो डकी पाई की भी वो आई थी वीडियो, जिसमें उसने कहा था भाई क्या चीज़
इसको वैसे ही बैन कर रहे हैं, और एक बंदे की गलती, अपनी गलती पे सब कोई बैन कर रहे हैं, हालांकि कोई इसका जवाब नहीं बनता। और ये न्यू डेट से मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आप बताएं कैसी है। फ्यूचर सलाह लेने का प्रोग्राम है, लेकिन अभी तक लिया तो नहीं है मैंने, तो इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ। और जो लास्ट मेरे पास कैनन का D700 था, वो चोरी हो गया था, तो अब मेरे पास यही है Note 8, इसलिए लिया था कि अच्छी वीडियो बना सकूँ। पसीना भी बहुत आ रहा है, तो वीडियो भी बनानी ज़रूरी है। बार बार जब मैं खोल के YouTube देखता हूँ, तो मुझे बहुत, मतलब कि बार बार ये चीज़ खींच के ले आती है कि भाई बनाओ, कंटेंट बनाओ। हालांकि अभी तो जो मेरा इनिशियल स्टेट है, जिसमें मैं मतलब के कैमरे से जो आप बात करते हैं उसमें मतलब झिझक नहीं होना चाहिए, अभी तो मैं उस स्टेज में हूँ। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में परफेक्ट भी हो जाएगा, इंसान सब कुछ चलता रहता है। तो ये Note 8 के बारे में थोड़ा सा, J7 से अभी मैंने Note 8 मोबाइल जो है मैं लेने वाला था 6S Plus, और 6S Plus से 7S7 Plus भी मुझे अच्छा लगता था, एज वाला, और उसके बाद S8 मैं लेने के लिए जा रहा था। लेकिन जब मैंने उसके पास ये Note 8 देखा, तो मैंने कहा कि ये मुझे ज़्यादा पसंद है, तो यही कोई 5,000 का डिफरेंस होगा उसने मुझे दे दिया। J7 से वीडियो क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं आती थी, इससे मुझे लगता कि थोड़ी अच्छी होगी। इंशाल्लाह कोशिश है कि अगर D700 चोरी ना हुआ होता, उसी से ब्लॉगिंग कर रहा होता, वॉइस क्वालिटी भी अच्छी होती है, और हर चीज़। तो अब देखते हैं इसमें स्टेबलाइजेशन कैसी है, हालांकि मुझे तो बेटर लगी है J7 से। Note 5 भी रखा हुआ था, वो कज़न को पसंद आ गया, तो फिर उसी को दे दिया मैंने। फिर वो कहते कि इसमें गेमिंग बहुत अच्छी होती है, तो वो कज़न को दे दिया था। तो मैंने अभी सारी जितनी भी सेविंग है ये Note 8 में लगा दी है, तो मैंने कोशिश किया कुछ और वीडियो क्वालिटी अच्छी हो जाए, और साथ साथ व्लॉग भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि डेली के डालूँ। बड़ा शाइनेस होती है ना, ये शुरू में आपको काम नहीं करने देती, क्योंकि अगर आप लगातार लगे रहोगे ना एक चीज़ से, और साथ साथ आप में एडिटिंग के लिए भी परफेक्शन आ जाएगी, और कैमरा फेस करने के लिए भी इजी होता है। इंशाल्लाह आज पता नहीं क्यों PDA ने बैन कर दिया, करना तो नहीं चाहिए था, ऐसा माहौल है। कोरोना वायरस की वजह से घर में रहते हो, तो ये 3-4 एंटरटेनमेंट के वो होती थी कि चलो एक चीज़ नहीं है तो PUBG कर लेते हैं, और खेलते रहते थे, देखते थे, और इंजॉयमेंट ही चल रहा था। वो भी एक पैसे को काम नहीं होता, तो इंसान चलो किसी और तरफ लगा रहता है, तो वो चीज़ भी उन्होंने आज बैन कर दी। तो आई होप कि ये जल्दी बैन हट जाए, और अब PUBG दोबारा होनी चाहिए। जो क्रिंज ऐप हैं वो तो बंद करते नहीं हैं, और ये PUBG को ऐसे ही बैन कर रहे हैं, और जिसमें कोई भी मेरे ख्याल में ऐसा कोई नहीं है कि मैंने कभी ऐसा नहीं है कि एक घंटे से ज़्यादा मैंने खेली हो, क्योंकि कुछ होते हैं जिनको गेमें अच्छी लगती हैं वो कुछ ज़्यादा खेलते हैं, तो एक आम आदमी इतना नहीं खेलता कि भाई हर वक्त ही उसी में घुसा रहे, क्योंकि 2-3 मैच बंदा जब खेलता है ना, आपसे जब वो चीज़ें क्लियर नहीं होती ना, तो फिर बंदा वो गिव अप कर देता है, कहता है कि छोड़ो यार इतना टाइम क्या लगाना इस पर, किसी और चीज़ पर लगा लेते हैं। तो हालांकि ये बैन नहीं होना चाहिए था, और इंशाल्लाह आगे कुछ दिनों में ये जो है ना, और भी चीज़ें लेनी है जो मैंने लिस्ट बना के रखी हुई है इन फ्यूचर, तो ये साउंड क्वालिटी भी सही होगी और वीडियो क्वालिटी भी। तो अभी जैसा भी है जो भी है, आपको कंटेंट से वो होना चाहिए। मुझे लगता है कि जो TikTok पे
लोग होते हैं ना, वो अगर कोई कंटेंट बनाए ना यूट्यूब पे, उन्हें पता चले, जिस तरह हम कोई मूवी देख के आते हैं, हमें नहीं पसंद आती और मूवी पे इतना वो करते हैं, और जब इंसान खुद उसी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे जब वो सब कुछ बनाना चाहता है तो उससे बन नहीं रहा होता, क्योंकि उसे कंटेंट नहीं मिल रहा होता। अभी वो इंसान क्या बात करे, क्या चीज़ें करेगी जो है आपका कंटेंट जो है, आपका कंटेंट जो है सबसे अच्छा दिखे। हालांकि अभी मैं तो इनिशियल स्टेट में हूँ, मैं एक साल से कोशिश कर रहा हूँ यूट्यूब पे के, लेकिन मैं जो है वीडियोस बहुत कम डालता हूँ। इंशाल्लाह अभी आगे कोशिश रहेगी कि जो भी है, जैसा अच्छा बने या बुरा बने, तो डेली का कंटेंट अपलोड करूँ। अब इसको टाइम भी लगेगा, ये 9 मिनट की वीडियो होगी है, इसे अपलोड भी करना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह दोबारा आऊँगा, और यूट्यूब पे जितने भी लोग हैं अगर देख रहे हैं, कुछ अच्छा या बुरा लगा हो आप कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट भी इस तरह के इंसान सही सोच समझ के अगले को बताए कि हाँ आपकी ये गलती है, आप हर चीज़ पे जो है ना गालियाँ और दूसरी साइड पे चले जाना, एक इंसानियत को भूल ही जाना, वो अच्छी बात नहीं होती। बाकी क्या, हर इंसान तो पहले से परफेक्ट नहीं होता ना, यही चीज़ें जो हैं टाइम के साथ आपको परफेक्ट करती हैं। जी के बारे में जिसकी जो राय है अपनी बता दें, अगर आप खेलते हैं तो ठीक है। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो अल्लाह हाफिज़, लाइक एंड सब्सक्राइब। भाई क्यों मार रहे हो भाई, वैसे ही तो मर रहे हैं सारे, कोरोना कुछ मार देगा और कुछ इंसान के अंदर का इंसान ही मार देगा।